हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री क्राफ्ट प्लेस आज की वीडियो में आपको ये सुंदर सी रोज वाली वुलन से बनने वाली ऊन से बनने वाली राखी दिखाएंगे तो 30 सेंटीमीटर हम मेजर कर लेंगे आप चाहे तो रूलर या फिर मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं छह बार इस तरीके से धागे के राउंड हमें लेने हैं फिर हम एक साइड से इसे कट कर लेंगे और एक साथ इसे अरेंज करके रख लेंगे धागों को और ये देखिए जो ओपन साइड नहीं है वहाँ पर हमें टाइटली एक नॉट बांधना है तो उससे क्या है हमारे धागे बिखरेंगे नहीं और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम ट्रिम कर लेंगे क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए और ये देखिए अब हम इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इक्वली तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो अब क्या करना है हमें चोटी की तरह इसे बनाना है तो देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर राखी बनेगी ये बनने के बाद और क्योंकि ये आपके हाथ से बनी हुई है तो इसका बात ही कुछ और होने वाली है तो देखिए हमारा जब ये पूरा बन चुका है तो लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर हम इसे एक बार फिर बांध देते हैं ताकि ये खुले नहीं तो जो एक्स्ट्रा यहाँ पर है इसे भी हम ट्रिम कर लेंगे ताकि एक फिनिशिंग जो है वो नीट एंड क्लीन आए तो ये देखिए दोनों साइज हमारे हो चुके हैं अब करना क्या है हमें एक साइज से बस इसे इस तरीके से रोल करना है, है ना बहुत ही सिंपल तो बस रोल करना है रोल करने के बाद देखिए हमारा ऑलरेडी एक रोज शेप जैसा आने लगेगा अब मैचिंग कोई भी इसी कलर से मैच करता हुआ धागा या यही धागे से भी आप जो बॉटम साइड है उसको हम इसी तरीके से पकड़ के बांध देंगे लाइक हमें इसे सिल देना है ताकि ये खुले नहीं तो इससे पूरा सिक्योर हो चुका है हमारा अब इसी धागे से सेंटर में हम एक पर्ल या मोती आपके पास जो भी हो उसको डाल सकते हैं उससे एक बहुत सुंदर लुक आ जाएगी और जो धागा है नीचे से उसे हम बांध करके कट कर लेंगे तो अब हम ले रहे हैं धागा ये देखिए ये धागा हमें जो कलाई में बांधने के लिए यूज़ होगा तो हमने पहले धागा क्या ले लिया है उसमें सुई में डाल दिया है नीडल में और अब हम इसमें कुछ मोती डाल देंगे क्योंकि मोतियों से ये जो हमारी राखी है बहुत सुंदर लगने वाली है तो बीच में पार्ट हमको छोड़ देंगे और धागे को कट कर लेंगे तो जो एजेस हैं उनको भी हम नॉट बांध देते हैं तो इससे एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है दोनों साइड्स में हमें इसी तरीके से करना है और सेंटर पार्ट हमें ध्यान रखें कि कौन सा रखना है तो उसी हिसाब से हम स्पेस छोड़ देंगे और ये जो धागा है हमें सुई के साथ इसे भी स्टिच कर देना है तो अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो आप ग्लू भी लगा सकते हैं तो बनाने का तरीका ऐसा ही रहेगा बस ग्लू लगाना है आपको तो यहाँ पर हम इसे सिक्योर कर देते हैं अच्छे से और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेते हैं और हमारी जो पर्ल्स हैं इनको छोटे छोटे गैप्स के बाद थोड़ा इस तरीके से सेट कर दें क्योंकि ऊन है तो ये बहुत ही आराम से इस तरीके से सेट हो जाएगा तो ये देखिए हमारी सुंदर सी प्यारी सी जो राखी है जो कि हमने घर पर ही बनाई है ऊन से बाहर से कुछ भी ऐसा नहीं लिया है बनकर तैयार हो चुकी है आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आपने ये ट्राई की है तो भी हमें मुझे बताइएगा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस